बॉडीगार्ड वेब सीरीज के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव दीपक शर्मा हॉस्पिटल जाकर जूलिया के सिक्योरिटी चीफ से पूछताछ करता है कि बॉम्ब फटने से पहले वहां पर क्या हुआ था, हमें ये बात पूरी डिटेल में बताओ। वो आदमी बताता है कि ब्लास्ट से पहले जूलिया का एडवाइजर ताहिर स्टेज के पास गया था और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था और इस ब्लास्ट में ताहिर मारा गया। दीपक पूछता है कि और कोई डिटेल मिस हो गई है, तो वो आदमी बताता है कि ब्लास्ट से कुछ टाइम पहले डेविड बाहर गया था और उसके बाद ताहिर अंदर आया, तभी ये इंसिडेंट हुआ। और अब दीपक को डेविड पर डाउट है पिछले स्नाइपर अटैक की वजह से, और इस बार भी डेविड किसी न किसी तरह से शामिल है। फिर काउंटर टेररिज्म के हेडक्वार्टर में रेबर्न दीपक को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसके हिसाब से ताहिर ब्रीफकेस लेकर स्टेज पर आया और डेविड स्टेज की तरफ भाग रहा था, फिर ब्लास्ट हुआ। अब इन लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट सूटकेस में हुआ या स्टेज के नीचे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले डेविड को रोककर उससे कहते हैं कि हम लोग जूलिया के इनर सर्कल के सभी मेंबर की चेकिंग कर रहे हैं, तो हमें आपके फोन, कंप्यूटर और अपार्टमेंट सभी की चेकिंग करनी होगी। तो डेविड मान जाता है और अपना फोन उन्हें दे देता है। फिर वो लोग डेविड के घर की भी तलाशी लेते हैं। फिर डेविड को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है जहां उसे डिटेक्टिव दीपक और रेबर्न मिलते हैं। दीपक पूछता है कि हमें पता चला है कि आप ब्लास्ट से थोड़ी देर पहले थोड़ी देर के लिए ऑडिटोरियम से बाहर गए थे, वो क्यों? तो डेविड बोलता है कि मुझे बाहर एक आदमी पर शक हुआ था तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। तो दीपक पूछता है कि कौन था वो, जिस पर काफी देर चुप रहने के बाद डेविड बता देता है कि ताहिर जूलिया का एडवाइजर है और वो एक ब्रीफकेस लेकर बैकस्टेज पर जाना चाहता था। मैंने उसका ब्रीफकेस चेक किया था, मगर दीपक बीच में इंटरप्ट करता है कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से एक्सप्लोजन उस ब्रीफकेस से हुआ। फिर दीपक प्रेशराइज करता है कि स्नाइपर अटैक और अब ये बॉम्ब एक्सप्लोजन दोनों जगह तुम शामिल हो, और तो और सारा डिपार्टमेंट इस अटैक को इन्वेस्टिगेशन करने में लगा हुआ है और तुम हो कि अपनी ड्यूटी से आकर अपने घर बैठे हुए हो, तुमने इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प क्यों नहीं की? और जूलिया से लास्ट में मिलने वाले पर्सन भी तुम ही हो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? डेविड फिर हॉस्पिटल जाता है जूलिया की सिचुएशन का पता करने, मगर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। फिर होम सेक्रेटरी के ऑफिस में हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही होती है जहां माइक ट्रेविस, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर काउंटर टेररिज्म था और अब जूलिया के बाद माइक ट्रेविस एज अ एक्टिंग होम सेक्रेटरी मीटिंग में शामिल हुआ है। असल में माइक ट्रेविस जूलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि जूलिया ने माइक की सारी अथॉरिटी उसे छीन ली थी और अब माइक को करंट पीएम ने एक्टिंग होम सेक्रेटरी बना दिया है, तो वो काफी खुश है। और माइक बॉम्बिंग इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का केस MI5 से लेकर फिर से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दे देता है। मीटिंग में एनी इस बॉम्बिंग केस को एज अ सुसाइड बॉम्बिंग केस साबित करती है और ताहिर की फोटो स्क्रीन पर दिखाकर कहती है कि शायद ताहिर और ट्रेन बॉम्बिंग केस में शामिल टेररिस्ट एक ही ग्रुप के लोग हैं। अगले दिन न्यूज में पीएम बताते हैं कि डॉक्टर की खूब कोशिश के बाद भी होम सेक्रेटरी जूलिया अब नहीं रही। अब इस न्यूज को सुनकर डेविड पूरी तरह से टूट जाता है, वो काफी दुखी है। एक तो उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया, फिर जूलिया भी छोड़कर चली गई और अब पुलिस को भी उस पर शक है, तो वो अपने सर पर गन पॉइंट करके सुसाइड करने की कोशिश करता है और गोली चला देता है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म वालों को एक और सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें बॉम्ब वाला ब्रीफकेस रॉब मैकडोनल्ड ने ताहिर को दिया था। तो दीपक एनी को वीडियो फुटेज की पिक्चर देकर रॉब मैकडोनल्ड को पकड़ने जाता है। फिर हमें डेविड का घर दिखाया जाता है जहां उसकी एक्स वाइफ विक्की मिलने आती है। वो देखती है कि डेविड के सर में चोट लगी है। विक्की दरअसल नर्स थी, वो डेविड के वाउंड्स को चेक करती है तो उसमें बुलेट केस फ्रेगमेंट मिल जाते हैं। तो विक्की समझ जाती है कि डेविड ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मगर डेविड उसे तसल्ली देता है कि बुलेट ब्लैंक थी, यानी डेविड मरना चाहता था मगर बुलेट खाली थी। अब ये बुलेट किसने चेंज की उसका हमें आगे पता चलेगा। डेविड विक्की को घर से जाने के लिए कहता है, मगर विक्की उस पर भड़क उठती है कि डेविड मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मुझे तुमसे
तुम्हारे पीटीएसडी अटैक की वजह से डर लगता है और इसी वजह से मैं तुमसे अलग हुई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और अगर मैं किसी से शादी कर भी लूं तो तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनकी फिक्र करो। तो डेविड फिर अपने बच्चों से मिलकर गले मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक ट्रेविस दिखाया जाता है जिसे रॉब मैकडोलन मिलता है। माइक बोलता है कि मुझे अभी एनी का कॉल आया था, उसने बताया कि दीपक वगैरह तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। इसे सुनकर रॉब घबराने लगता है और इन दोनों में बहसबाजी चालू हो जाती है, मगर माइक कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने प्री प्लान स्टोरी के तहत एक्ट करना। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि एनी और माइक ट्रेविस आपस में मिले हुए हैं और इनके प्लान में रॉब भी शामिल है। इन लोगों का जूलिया के मर्डर में क्या रिलेशन है यह हमें आगे पता चलेगा। फिर रॉब से दीपक और रेबन पूछताछ करते हैं, मगर रॉब कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता और घबराने लगता है और झूठ बोलने लगता है। तो रेबन कहती है कि फोटो में तुम ताहिर को बैग देते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हो और बॉम्बिंग से पहले तुमने ताहिर को कॉल भी किया था और बॉम्ब तुम्हारे दिए हुए ब्रीफ केस में था। मगर रॉब कुछ भी सही से जवाब नहीं देता। फिर डेविड खुद ही जूलिया के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है और उस होटल के सिक्योरिटी रूम जाता है जिस होटल में जूलिया रुकी थी और पुरानी वीडियो फुटेज चेक करता है कि जूलिया से कौन कौन मिलने आता था, मगर कई जगह से वीडियो फुटेज कटी हुई थी और उस कटी हुई वीडियो की टाइमिंग को डेविड नोट कर लेता है। फिर डेविड को रेबर्न अपने साथ नादिया से मिलने ले जाती है। शायद नादिया डेविड पर ट्रस्ट करके सही सही इन्फॉर्मेशन बता दे। तो नादिया बता देती है कि उसके हस्बैंड ने उसे सुसाइडिंग बॉम्बिंग के लिए फोर्स किया था और उसे ये बॉम्ब एक आदमी ने दिया था। तो रेबर्न नादिया के सामने कई आदमियों की फोटो दिखाती है और कहती है कि किसी को जानती हो क्या। नादिया की नजर ताहिर के फोटो पर काफी देर के लिए रुक जाती है, मगर नादिया किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। मगर जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब डेविड रेबन को रोक के कहता है कि होम सेक्रेटरी बॉम्बिंग केस इतना आसान नहीं है, कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है, किसी ने मेरे घर में छानबीन की और मेरी चीजें बदल दी और ये सब पुलिस चेकिंग से पहले हुआ था। और मेन चीज ये है कि सेमिनार से पहले मैंने ताहिर के सूटकेस को चेक किया था, उसमें बॉम्ब नहीं था। और स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कौन ब्रीफकेस में बॉम्ब लगा सकता है इसका पता नहीं। ताहिर अकेले काम नहीं कर रहा है, जरूर उसका कोई और भी साथी है। डेविड बताता है कि कोई आदमी जूलिया से कुछ दिन पहले होटल में मिलने आया था, उसने अपना नाम रिचर्ड लॉन्गक्रॉस बताया था और मैंने सभी रिकॉर्ड चेक किए, इस नाम का कोई भी आदमी मौजूद ही नहीं है। मैंने होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, किसी ने फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की है क्योंकि रिचर्ड वीडियो फुटेज में कहीं भी नहीं मिला। मगर रेबन कहती है कि ऐसा सिर्फ सिक्योरिटी सर्विस वाले कर सकते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना मेरे लेवल से काफी ऊपर की बात है। फिर रेबन दीपक के पास जाती है और डेविड वाली सारी बातें बता देती है। दीपक कहता है कि मुझे डेविड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मगर न जाने क्यों एनी डेविड को फंसाने की कोशिश कर रही है। या तो डेविड टेररिस्ट से मिला हुआ है या कोई डेविड को ऐसा स्केप कोट फंसा रहा है और इन सब में काफी सारे हाई ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।